हॉस्टल्स के साथ में अटैच पोर्शन है इनको बाद में बनाने थोड़ा चैलेंजिंग होगा बिकॉज आपको पूरा मोबिलाइज चलते हुए कैंपस के अंदर करना पड़ेगा हाई राइज टावर बनाने के लिए यहाँ पे ये साथ में इनका मैं अलग से निकाल देता हूँ लोग इधर से आ रहे थे यहाँ से आ रहे ये जनरेशन रूल है और पीछे डेडिकेटेड कॉरिडोर है फॉर डॉक्टर सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कमिंग फ्रॉम दैट हॉस्पिटल से आ रहे और सीधे जहाँ एग्जामिनेशन रूम में उन्होंने देखा है सीधे यहाँ पे आके उन्होंने इधर सेट किया और इसका सामने डेडिकेटेड बिल्डिंग है तो सभी को भीड़ भाड़ लगी हुई है ये आपका लाल वाला फायर हाइड्रेंट का होगा ये केबल ट्रे सर ये डिस्चार्ज आदि एग्जाम से लगे हुए हैं कि अगस्त में OPD शुरू करवा दें लेकिन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं है मेडिकल कॉलेज के लिए तो उपकरण भी खरीदने हैं कैसे संभव तो टेंडर उपकरणों का हुआ और खुशी की बात है कि 2 साल के लगभग के समय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट कोविड की मल्टीपल वेव हमने जींद के अंदर खड़ा होते देखा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस साल के अंदर अंदर OPD भी और OPD के साथ साथ जितने इक्विपमेंट्स प्राइमरी हेल्थ केयर के थे वो यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर देंगे। नियुक्तियों की जब बात है डॉक्टर्स की जो नियुक्तियाँ होनी है उसके लिए ऑलरेडी HPSC को लिख के दे दिया गया है और ग्रुप डी तक की जो नौकरियाँ होनी है वो हरियाणा कौशल रोजगार से हम आवेदन आने वाले समय में ले लेंगे। मगर कई ऐसे विषय हैं जो डिले हुए और उस कारण इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में भी बाधाएं आई जैसे हाई टेंशन वायर है आपने खुद देखा होगा कि कितना समय लगा उसको रिलोकेट करने। अब कई डिसीजंस और लेने हैं जैसे गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल का जो सेकंड फेज का विंग एक्सपेंशन है उसका है अल्टरनेटेड रोड कनेक्टिविटी का जल्द उस पर भी सरकार ने निर्णय लेकर उन पर काम शुरू। सर पानीपत में आपने बयान दिया था कि आप जो विधानसभा है उच्चारणा उससे चुनाव लड़ेंगे आपके बयान